लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? जूही चावला, देखिए ना, मुझे शूटिंग पर जाना है, गाड़ी खराब हो गई, क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे? क्यों नहीं, आइए ना, आइए ना। कितनी खुशनसीब हूँ मैं जो मुझे आप मिल गए। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे एहसान कैसा, ये तो मेरा फर्ज है मैडम। हाउ स्वीट, आप जैसे इंसान आजकल बनते ही कहाँ हैं? हैला। अरे मैडम आ गई मैडम। ए राची बुलाओ, जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ। हाँ। बाय बाय। थैंक यू। मेंशन नॉट। सुनो। हाँ। फिर मिलोगे ना? हैला। जूही जी, आज आपने मुझे अचानक फोन करके क्यों बुलाया? बस यूं ही मिलने को दिल चाहा। ओ। कितनी रोमांटिक है ये जगह, है ना? बिल्कुल। हाय। कभी कभी सोचती हूँ इन मजबूत कंधों का सहारा ना होता तो मेरा क्या होता। वादा करो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। ये आप क्या कह रही हैं जूही जी? जूही जी नहीं, सिर्फ जूही। हैला, जूही। ओए, इधर आ। हैला, गोविंदा। क्या मायला, तू कौन? मैं। अरे गोविंदा, इनसे मिलो, ये है अमर बाबू। इनके बारे में तुम्हें बताया था ना? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये वही है जिन्होंने कदम कदम पर तुम्हारी मदद की है। क्या बात है, बड़े खूबसूरत नौजवान। थैंक यू, थैंक यू। तुम्हारी चॉइस बड़ी अच्छी थी। एक्सक्यूज मी, शर्मा के चली गई। अरे सुनो, तुम इतने खूबसूरत नौजवान हो, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करते? बस मुझे कई ऑफर आए हैं बड़े बड़े डायरेक्टरों के, लेकिन मैं चुन रहा हूँ कि टेक 21 एक्शन। गले लग जा। नहीं गोपाल, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब हूँ, तुम अमीर हो, दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। हाँ, गले लग जा। मगर गोपाल, एक औरत की मजबूरी तो समझो। वो क्यों? ये पापी संसार, ये बेदर्द दुनिया, ये दुश्मन जमाना, ये हमें जीने नहीं देगा। और यही सच है। सच तो यह है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। सच तो यह है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। यही सच है, बाकी सब झूठ है। भूल जा सबको, सिर्फ मुझे याद रख। हाँ, गले लग जा यार। गोविंदा, चिपक के, चिपक के। क्या हुआ? मुझे लगा शाहरुख खान आ गया। शाहरुख खान, गोविंदा, सनी देओल, बस ये सब है तुम्हारी जिंदगी में? सुना है सनी के साथ तुम कुछ ज्यादा फिल्में कर रही हो। हाँ, लोगों को हमारी जोड़ी काफी पसंद है। और तुम्हें? मुझे भी। हा? काफी हैंडसम है। क्यों, जलन हो रही है? डर पर कहीं मेरे हाथ से किसी का खून नहीं हो जाए। ओ अमर, लूट गए। मैं तो मजाक कर रही थी, तुम ही तो हो मेरे सब कुछ, तुम ही तो हो मेरे साजन। हा? सच अमर, अब तुम्हारे बिना जिया नहीं जाता। हा? चलो ना, हम लोग कहीं शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हारे लिए फिल्म लाइन छोड़ दूंगी। नहीं 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 नहीं, फिल्म लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम करो, तुम करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं सब कुछ देख लूंगा, पैसे वैसे सब मैं संभाल लूंगा। लेकिन हीरो भी मैं चुनूंगा। दूर दूर रहना, दूर दूर रहना। ओ अमर, हाउ स्वीट। जूही, माय डार्लिंग। मैं भगवान को साक्षी मानकर तुम्हें तन और मन से स्वीकार करती हूँ। मैं भी भगवान को साक्षी मानकर तुम्हें तन, मन और धन से स्वीकार करता हूं। अबे क्या पिताजी, मेरा सुंदर सपना तोड़ दिया आपने।
मैं हीरोइन के गले में वरमाला डालने ही वाला था, तभी आपको आना था। दो मिनट बाद नहीं आ सकते थे आप? अबे बकवास बंद करो, उठ यहाँ से। गले पे बैठे बैठे सोते रहता है। बाबूलाल तुम्हें हजार बार कहा इसको गले के आसपास भटकने मत। अरे आपके गले में होता ही क्या है, इससे ज्यादा चिल्लर तो बंबई के किसी भिखारी के कटोरे में मिलेगा। ए बाबूलाल जरा संभाल के, कल की तरह इसका भी कान मत काट देना। अरे भाई संभाल के, नोट रहेंगे भी कैसे, कल इसमें से 100 रुपए निकाल के उड़ा के आ गया। उड़ाए नहीं पिताजी, खर्च किए। रोजी के कोमल हाथों से बाल कटवा के आया ताजमहल होटल के सैलून में। क्या मैं यहाँ 20 आदमियों की हजामत करके 100 रुपए जुटाता हूँ और तू ताज में जाके दक्षिणा दिया आ जाता है? और बाल कटे भी है तुम्हारे? बाल भी कटे हैं और पता भी नहीं चले। This is the latest French cut, you see. La coupe française de hair. बड़ी अंग्रेजी झाड़ रहा है। अबे लल्ले, इस गल्ले की चिल्लर से तेरी स्कूल की फीस भर भर के तुझको पढ़ाया लिखाया डराया धमकाया, किसी तरह धक्का मार के कॉलेज में दाखिल करवाया, लेकिन फायदा क्या हुआ, वहां से भी निकाले गए। निकाला नहीं गया पिताजी, वो तो मैं खुद छोड़कर आया। दरअसल प्रिंसिपल साहब को मेरी बातें कुछ समझ में नहीं आई। आई वो क्या है कि मेरे अंदर बहुत से आइडियाज हैं जो बाहर निकलने के लिए उछल रहे हैं, फुदक रहे हैं। आई इस नई पीढ़ी के लिए, इस देश के लिए और खास करके बापों के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से जब तक इस देश के बाप नहीं सुधरेंगे ये देश नहीं सुधरेगा। ये बात प्रिंसिपल के बेटे के समझ में आई, लेकिन प्रिंसिपल के समझ में नहीं आई। और एक आप हैं कि मैं तेरा पीला पानी लगाए मुंडन कर दूंगा। अरे पिताजी क्या बात कर रहे हैं, अगर मेरा मुंडन कर देंगे तो लोग समझेंगे कि आप सीधे। चुप है गधे। अरे 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 शांत हो जाइए पिताजी, शांत हो जाइए। और मेरा नया आइडिया सुनिए, क्यों ना हम ये दुकान बेच दें, अच्छे पैसे मिलेंगे। मेरा मतलब है उन पैसों से हम लोग एक चूड़ियों की दुकान खरीदेंगे। चूड़ियों की दुकान? जी हाँ, चूड़ियों की दुकान। जरा सोचिए, सारा दिन सुंदर सुंदर चेहरों के बीच मैं और आप। मैं बेटियों को चूड़ियां पहना रहा हूँ, आप माओ को चूड़ियां पहना रहे हैं। कहीं हंसी का झरना, कहीं नजरों का लड़ना, कहीं जुल्फों का बिखरना, तो कहीं आंचल का सरकना। उनके कोमल कोमल हाथ आपके मोटे मोटे हाथों में, आप प्यार से उन्हें चूड़ियां पहना रहे हैं, वो नजाकत से उई उई कर रहे हैं, आप शरारत से आ आ कर रहे हैं। बाबूलाल कहा था कान संभाल के काटा कर। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। तेरी वजह से? चूड़ियां पहना रहा है, जुल्फे लटका, निकल बाहर निकल, बाहर निकल। पिताजी जरा धीरे धीरे, आपका तो पता नहीं लेकिन मेरी इज्जत है यहाँ पर। हाँ हाँ बड़ी इज्जत की बातें करता है, गले से चवन्नियां चुराता है, उधार चंद फकीर चंद तेली गली का हीरो बना फिरता है। पिताजी इस वक्त आप बहुत गर्म हो रहे हैं, मैं शाम को आके फिर समझाऊंगा। तू शाम को फिर आएगा? बेशरम, दुनिया में तेरे जैसी नालायक औलाद कहीं नहीं होगी। होगी पिताजी होगी, मेरी जैसी औलाद वही होगी जहाँ आप जैसा बाप होगा। अम्मा भोले यार, आज मेरी बाई आंख बहुत फड़क रही है। अरे भाई आंख का फड़कना तो बहुत शुभ होता है, चारों तरफ से खुशियों के समाचार मिलेंगे। अरे काहे के समाचार मिलेंगे खुशियों के, मेरे लिए तो आखिरी खुशी का दिन वो दिन था जिस दिन मैं बाप बना था, वो दिन है और आज का दिन है। मेरे लायक बेटे प्रेम ने मुझे खुश होने का मौका ही नहीं दिया। कमाऊं मैं उड़ाए वो, कमाऊं मैं उड़ाए वो। हाँ भाई किस पर बिगड़ रहे हो? अरे अपने बेटे पर बिगड़ रहा हूँ, तुमको क्या है, तुम क्यों आए? भूल गए? हाँ लाला जी के 500 रुपए देने। अरे काहे के 500 रुपए देने आज? लाला जी के 500 रुपए देने आज? हाँ देने तो देने देने हैं ना, ये रहे 100-100 के 5 कड़क नोट। अरे अरे प्रेम डब्बा खुल कर गया। क्यों बहाने बना रहे हो, वो बेचारा तो वाह वाह स्टूडियो में बैठा हुआ है। वाह वाह स्टूडियो में बैठा हुआ है? अरे फिल्मी मलेरिया जॉनी मेरे बेटे को लूट रहा है। अरे ये जॉनी जो है ना, इसने मेरे बाप को फिल्म में काम करने का चकमा देकर बंबई भेजा था, आज तक वापस नहीं लौटा। किसी किसी फिल्म की भीड़ में यूं खड़ा दिखाई देता है। मेरे बेटे को उल्लू बना रहा है जॉनी। डंडा किधर है? वाह 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 वाह, क्या चेहरा है, क्या थोबड़ा है, अपने ढंग का एक ही नमूना है। आगा थु 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 थु। ये क्या? नजर नहीं लगी इसलिए थूका है। अच्छा गुरुजी मैं स्टार बन जाऊंगा ना? बन जाऊंगा? अरे बन गए तुम स्टार यार, लाइट्स ऑफ। बस गुरु अब तो कर दो वाह वाह प्रोडक्शन शुरू। यार शुरू हो गई, अमिताभ से बात भी करूंगी। लेकिन मैं हीरो तो तू ही रहेगा ना यार, वो तो तेरे बाप का रोल करेगा। चलेगा ना? चलेगा क्या, खुद खुद के चलेगा।
चलेगा, कूद कूद के चलेगा। अमिताभ और मैं टंटनम, बाप और बेटा टकड़म, आपस में टक्कर टकटक टकड़म। वाह क्या सीन है, गर्मा गर्म वावा प्रोडक्शन की चाय, ये लीजिए सरकार। अरे साहब के लिए एक ठंडा ले आओ। और सुनो, वो सुभाष घाई का फोन आने वाला था। वो हाँ, आता ही होगा, आता ही होगा। मैंने सुभाष को मैंने तुम्हारी फोटोएं दी थी, उसे भी एक तुम्हारे जैसे थोबड़े की जरूरत है नई फिल्म के लिए, ड्रैकुला की मोहब्बत। ड्रैकुला की। हेलो, यप, दिस इज जॉनी फ्रॉम वावा प्रोडक्शन। हेलो सर, मेरा रोल याद रखना। हेलो शुभु, हाँ सुभाष भाई का फोन है। सर मेरा भी नमस्ते। एक मिनट यार। हाँ तो यार ये बोल, तस्वीरें पसंद आई तुझे है? पूरे बॉम्बे में धूम, इतना लोगों ने पसंद किया, वेरी गुड वेरी गुड यार। क्या नहीं नहीं अच्छा तुम्हारी तस्वीरें माधुरी दीक्षित को दिखाई, क्या बोलती है वो, इसी के साथ में काम करेगी और किसी के साथ में नहीं? अरे कमाल हो गया, एक तस्वीर भी रख ली इसकी। अरे वेरी गुड यार वेरी गुड। नहीं ये हाँ, फिल्म में दो हीरोइन है, जूही से भी बात कर लिए, तुम्हारा एड्रेस उसने लिया है, यहाँ तुमसे मिलने आने वाली है, चलेगी ना दोनों? चलेगी चलेगी, क्या खुद खुद चलेगी, खुद खुद। उठ यार, अबे उठ, अबे बात सुन, तेरा काम हो गया। हो गया उधर हो गया, वावा प्रोडक्शन की इज्जत का भारी पाला हो गया। बनिया कहता है कि अभी अगर 500 रुपया नगद उसको नहीं दिया तो वो यहाँ से कैमरा उठा ले जाएगा। मैं इंडस्ट्री को नए नए आर्टिस्ट देना चाहता हूँ और ये लोग मेरा कैमरा उठा के ले जाना चाहते हैं। अरे कैमरा लेके जाएगा ना, इसकी किस्मत थोड़ी ले जाएगा, तो दे दे कैमरा उसको। ए रुक रुक, पैसे देना चाहते हैं, दे दो दे दो दे दो, ये ले और उसके मुंह पे मार। क्या? अरे मुंह पर तो मैं मारूंगा तेरे 100 जूते, मेरी मेहनत की कमाई इस गंजे पे लुटा रहा है। पिताजी ये तो मुझे हीरो बना रहे। ये तुझे हीरो बनाएगा, खुद तो चपरासी बन नहीं सका। मेरी फिल्म में मैं आपको भी हीरो बनाऊंगा अंकल। अंकल अबे बहुत पुराना पापी है तू, मेरे बाप को झांसा दे चुका है, बच्चा बन रहा है, एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर मेरे बेवकूफ बेटे को और बेवकूफ बनाने की कोशिश की ना तो सुई इस कान में घुसेड़ूंगा, इसमें से निकाल के तेरा कलाबत्तू बना दूंगा, बोलती बंद होती सुनी होगी, तेरी सुनती बंद कर दूंगा। पिताजी आप मुझे निखट्टू बोल दीजिए, टट्टू बोल दीजिए, लेकिन मैं आपको कुछ बन के दिखाऊंगा। नमस्ते जी। नमस्ते के बच्चे, मुंह को टांके लगा और हाथ में कैंची पकड़। पिताजी ये मुझे नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं। तो हाथ में भीख का कटोरा पकड़ेगा? नहीं पिताजी। पिताजी मुझे मेरी मंजिल एकदम सामने दिखाई दे रही है। सामने पुलिस स्टेशन है और शमशान घाट है, कौन सी मंजिल है बेटा तुम्हारी? ओफो पिताजी मैं आपको कैसे समझाऊं, मेरी किस्मत का सितारा चमकने वाला है।